सकते हैं। पश्चिम सिंहभूम का ये हिरनी फॉल है, हिरनी फॉल हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। बरसात में पूरा नदी भर जाता है, इसीलिए आपको पूरा नदी कैसे बह रहा है उसका आपको नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों। ये इस तरह से सुंदरता है यहाँ का। ये एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है, और ये हमने जहाँ अभी खड़े हुए हैं यहाँ पार्किंग है, पार्किंग आपको दिखा देते हैं। पार्किंग एरिया है दोस्तों, और उस ओर से वहाँ से ऊपर से पानी गिरती है, हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, चलिए दोस्तों आगे की ओर और उधर का नज़ारा आपको देखते दिखाते हैं। तो गाड़ी, अच्छा हमने गाड़ी नहीं लॉक किया, गाड़ी लॉक कर लेते हैं। बरसात है, छाता पकड़ लेते हैं क्योंकि पानी कर देगा तो उधर बचने का नहीं है, और मेरा मोबाइल सब भींग जाएगा, इसीलिए गाड़ी लॉक करके जाते हैं। तो छाता भी पकड़ लेते हैं। पार्किंग चार्ज कुछ लगता है, वो बाद में हम दे देंगे, अभी तो कुछ बोला नहीं है। तो फिर आपको पहले इधर झरना दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ हिरनी फॉल का। ये हमेशा यहाँ पानी रहता ही है, गर्मी में भी थोड़ा बहुत यहाँ बहता ही है पानी, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है दोस्तों। छोटा है लेकिन बहुत ऊंचाई से गिरती है, लगभग 300 फीट के आसपास ऊंचाई है यहाँ, 300 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरती है, वो झरना है। हिरनी फॉल का यहाँ बोर्ड सब लगा हुआ है, और इधर नीचे से जहाँ पर पानी गिरता है वहाँ इस ओर नीचे आप मतलब वहाँ तक जा सकते हैं, सामने बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फ्रंट से आपको दिखाते हैं। ये वाला सीढ़ी से ऊपर जाने का है, और इधर से वो नीचे जहाँ पानी गिरती है ना उसके नीचे गंदा पानी आ रहा है, बारिश हुई थी ना इसीलिए पूरा गंदा पानी आ गया है दोस्तों। पूरे झरना, घूमने आ गए हैं दोस्त लोग, मतलब दोस्त घूमने को लगे, कपल लोग आ गए हैं घूमने के लिए। इस तरह से घर सीढ़ी बना हुआ है, पूरा झरने का लोकेशन दिखा रहा है। अब दोस्तों ऊपर से आपको दिखाते हैं इस झरना का, हिरनी जलप्रपात का ऊपर से नज़ारा आपको दिखाते हैं दोस्तों। लगभग 300 या 350 के आसपास सीढ़ी है यहाँ पे, फोटोशूट चल रहा है। यहाँ आप आराम कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, और यहाँ से बैठ के आराम से इधर पानी का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। झारखंड में कहीं भी जलप्रपात आप चले जाएंगे तो प्राकृतिक सुंदरता आपको हर जगह देखने को मिलेगा दोस्तों। पंद्रह अगस्त को पूरा इधर तिरंगा झंडा लहरा दिया गया है। वे टू हिल, अब यहाँ से चढ़ान शुरू होती है, ऊपर तक जाएंगे ही, आपको ऊपर से दिखाना है ना, इसलिए ऊपर में सीढ़ी भी बना हुआ है ऊपर से देखने के लिए। और कुछ दूरी तक हम चल चुके हैं, और यहाँ से आपको इधर से नज़ारा दिखाते हैं। थक जाते हैं, थक जाने से दोस्तों यहाँ बैठने के लिए भी जगह है, बैठने के लिए जगह भी है, और यहाँ से कुछ इस तरह से आपको दिखता है। और
हमारे सामने हमारे साथ आ रहा है। तो फिर चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पूरे ऊपर की ओर जाना है, वहाँ वहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, वहाँ से आपको दिखाते हैं। पहाड़ों से घिरा ये हिरनी जलप्रपात है। सब तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के यहाँ पहाड़ के बीच से इधर भी पहाड़ दोनों का बीच से ये पानी नीचे आता है। और यहाँ लगभग 300 फीट नीचे गिरता है। आखिर दोस्तों हम ऊपर पहुंच ही गए हैं। ये ऊपर से देखने का एक क्या बोले इसको टावर है छोटा मोटा। और यहाँ पे आराम से पिकनिक दरी उरी बिछा के बैठ सकते हैं पिकनिक के दिन। अच्छा यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कुछ थोड़ा बहुत। यह है कुसुम का पेड़ है, मुंडारी में इसको बारू बोलते हैं। देख लीजिए बारू, कुसुम बारू लिखा हुआ है। देख लीजिए यहाँ से ऊपर का नज़ारा है, पानी वहीं से गिरता है। उधर एकदम पहाड़ों का बीच है उधर, और यहाँ से जाके फिर नीचे नीचे इधर आपको लगभग 300 फीट के आसपास हो जाएगा नीचे दूर से गिरता है। प्रकृति का आनंद लेना है तो आप झारखंड में चले आइए, झारखंड का फॉल में दर्शन कीजिए और एकदम पूरा प्रकृति से सुंदरता भरा हुआ चीज आपको यहाँ मिलेगा। आगे भी सीढ़ी है दोस्तों, नहीं आगे भी रास्ता है और थोड़ा दूर जा सकते हैं। हमारे साथ ये चौकीदार भी साथ में जा रहा है दोस्तों। ये